और दोस्तों अब घड़ी समाप्त होती जा रही है कि यहाँ पर कब से आईपीएल स्टार्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर आईपीएल की स्टार्टिंग डेट अब दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। और दोस्तों जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर आईपीएल के फैंस के अंदर क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर सभी टीमें अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम आरसीबी के बारे में, जिसमें क्या दोस्तों टीम आरसीबी की तरफ से तीन बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिसमें क्या दोस्तों टीम आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हसन ने यहाँ पर टीम आरसीबी के नए विकेट कीपर को लेकर दो बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट दे दी है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर रियान पराग ने कप्तान विराट कोहली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से नॉलेज देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आरसीबी के फैंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी हैं आरसीबी के बड़े वाले फैन और वेट कर रहे हैं आईपीएल 2021 का, तो कर दीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक और आईपीएल जुड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा वन क्रिक वेबसाइट के बारे में, जहां पर ज्वाइन करते ही आप लोगों को 100% का कैश बोनस देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट पर आप लोगों को 1000 रुपए का कैश बोनस देखने को मिल जाता है, जहां पर आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने रजिस्टर करते ही 600 रुपए का कैश बोनस मिला है। उसी के साथ साथ आप लोग यहां पर गेम खेलकर हजारों लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। यहां पर आप लोगों को बहुत सारे गेम देखने का मौका मिल जाता है, जैसे कि पोकर, कैसीनो, रमी जैसे बड़े बड़े गेम देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप लोग बैट लगाकर बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को साइनअप करने के लिए नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बिना नंबर के आप लोग साइनअप हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों का इंस्टेंट विथड्रॉ ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण यह ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप की लिंक दी हुई है। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है रियान पराग की तरफ से। दरअसल दोस्तों हाल ही में यहाँ पर रियान पराग ने कप्तान विराट कोहली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों उन्होंने अपने बयान में कहा है कि माई रोल मॉडल ऑलवेज हैज बीन विराट कोहली, आई एडमायर हिम एज ए प्लेयर एंड मोर एज ए ह्यूमन बींग। दोस्तों यहाँ पर रियान पराग का कहना है कि मैं हमेशा से ही कप्तान विराट कोहली को ही अपना रोल मॉडल मानते हुए आया हूँ और मैं उनको हमेशा एडमायर करता हूँ एज ए प्लेयर के रूप में, और इससे बढ़कर एक बहुत ही शानदार ह्यूमन बींग भी है, और यही कारण है कि मैं उनको इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो भले ही फील्ड पर थोड़ा एग्रेशन में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे अगर फील्ड के बाहर मिलेंगे तो उनके जैसा बिहेवियर किसी भी खिलाड़ी का आपको नहीं मिलने वाला है। और भले यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग उनको यहाँ पर एग्रेसिव कहते हैं क्योंकि वो पिच के ऊपर कभी कभार एब्यूज भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप एक बार उसे बाहर मिलकर देखिए दोस्तों, वो फील्ड के बाहर आपको एक बिल्कुल अलग इंसान के रूप में मिलेंगे और उनका ऐसा बिहेवियर है कि यहाँ पर हर कोई उन्हें पसंद करने लगेगा। और मैं यही कारण है कि उनको इतना ज्यादा पसंद करता हूँ और उनसे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतने महान खिलाड़ी हैं कि वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो इससे मुझे भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यही कारण है कि मैं भी यहाँ पर टीम आरसीबी के अंदर खेलना चाहता हूँ एक बार आईपीएल के अंदर, और ऐसा करके मुझे कप्तान विराट कोहली के संग यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एबी डिविलियर्स भी यहाँ पर आरसीबी के अंदर है, और यही कारण है कि यहाँ पर टीम आरसीबी को लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक दो खिलाड़ी इसी टीम के अंदर शामिल है, और यही कारण है कि यहाँ पर टीम आरसीबी का इतना क्रेज देखा जाता है और इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है टीम आरसीबी की। तो दोस्तों कुल मिलाकर रियान पराग ने यहाँ पर दोस्तों कप्तान विराट कोहली की काफी ज्यादा तारीफ करी है और अपने शब्दों में उनके प्रति जो अपनी रिस्पेक्ट है उनको बताया है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियन है, दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके जो भी ओपिनियन होंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बात करूं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है माइक हसन की तरफ से। दरअसल दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर माइक हसन ने आज दो बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट्स कर दी हैं यहाँ पर टीम आरसीबी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर दो बहुत ही बड़े जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर टीम आरसीबी के फैंस के अंदर, उन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। दोस्तों आपने भी यहाँ पर माइक हसन का बयान देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों आप यहाँ पर टीम आरसीबी के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के यहाँ पर ऑफिशियल इंस्टाग्राम या फिर बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों बात करूँ यहाँ दो बड़े अनाउंसमेंट्स के बारे में, तो दोस्तों पहली अनाउंसमेंट यहाँ पर ओपनिंग पेयर के रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर आज माइक हसन ने भी ऑफिशियली यहाँ पर अब ये फाइनल कर दिया है कि इस साल टीम आरसीबी की क्या ओपनिंग जोड़ी होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर हमें देदा पड्डीकल हमेशा की तरह
खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर माइक हैसन ने भी अब ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि इस साल टीम आरसीबी के लिए आईपीएल 2021 के अंदर यहाँ पर हमें कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं देवदत्त पड्डीकल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आईपीएल 2021 से पहले यहाँ पर टीम आरसीबी को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिल गई है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2016 में भी यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ने ओपनिंग की थी। और दोस्तों अगर आपने वो आईपीएल देखा होगा तो मुझे यकीन है आप अभी तक वो पाई नहीं भूले होंगे। और दोस्तों फिर से अब यहाँ पर आईपीएल 2021 के अंदर यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करने वाले हैं। और दोस्तों इस साल यहाँ पर टीम आरसीबी बखूबी बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर कप्तान विराट कोहली भी बहुत ही शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले जो T20 मुकाबले गए हैं उसमें दोस्तों बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर कप्तान विराट कोहली का रहा है। और दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है टीम आरसीबी के लिए और टीम आरसीबी के फैंस के लिए, क्योंकि दोस्तों उनका कप्तान अब फॉर्म में आ चुका है। और दोस्तों ऐसे में इस साल वो टीम आरसीबी के लिए ओपनिंग भी करेंगे, तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज होगी टीम आरसीबी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कप्तान विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी को बेहद ही मजबूत शुरुआत मिलेगी यहाँ पर आईपीएल 2021 के अंदर। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कप्तान विराट कोहली अगर ओपनिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी इस साल कितना शानदार प्रदर्शन कर सकती है, दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर कप्तान विराट कोहली इस साल आईपीएल के अंदर कितने रन स्कोर करेंगे दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों बात करूं यहाँ पर दूसरी अनाउंसमेंट्स के बारे में, तो दोस्तों ये निकलकर सामने आ रही है टीम आरसीबी के विकेट कीपर को लेकर। दरअसल दोस्तों बहुत से आरसीबी फैंस के मन में ये सवाल उठ रहा था कि सर टीम आरसीबी के लिए कौन विकेट कीपरिंग करने वाला है, तो दोस्तों आज यहाँ पर फाइनली यहाँ पर टीम आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर माइक हैसन ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल टीम आरसीबी के लिए कौन विकेट कीपरिंग करने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अब टीम आरसीबी के अंदर फिलहाल जो टीम आरसीबी की स्क्वाड है उसमें 3 विकेट कीपर शामिल है। दोस्तों बात करें दोनों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर होंगे मिस्टर 360 एबी डी विलियर्स, जो कि यहाँ पर विकेट कीपरिंग करते हैं, पिछले साल भी इन्होंने की थी। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर है इंडिया के एंकर प्लेयर मोहम्मद अजुद्दीन, जिनकी की दोस्तों विकेट कीपरिंग काफी शानदार है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर है फिन एलन, जो कि दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जोशुआ फिलिपे की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर टीम आरसीबी के अंदर शामिल है। दोस्तों यहाँ पर सभी के मन में सवाल था कि सर किस खिलाड़ी को यहाँ पर टीम आरसीबी के विकेट कीपरिंग का मौका मिलने वाला है, तो दोस्तों आज फाइनली यहाँ पर दोस्तों माइक हैसन ने अनाउंसमेंट कर दी है कि इस साल एबी डिविलियर्स हमें विकेट कीपरिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों ये बात यहाँ पर एबी डिविलियर्स ने खुद ही जाहिर करी थी कि वो इस साल भी विकेट कीपरिंग करना चाहते हैं, उनका मन है कि वो विकेट कीपरिंग करना चाहते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर इस साल हमें टीम आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स ही विकेट कीपरिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर माइक हैसन ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर यहाँ पर किसी मुकाबले में यहाँ पर एबी डिविलियर्स यहाँ पर विकेट कीपरिंग नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों उनके जगह पर यहाँ पर मोहम्मद अजुद्दीन ही हमें विकेट कीपरिंग करते हुए दिखाई देंगे टीम आरसीबी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर टीम आरसीबी यहाँ पर मोहम्मद अजुद्दीन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा जता रही है। और दोस्तों अगर यहाँ पर मोहम्मद अजुद्दीन ही यहाँ पर विकेट कीपरिंग करेंगे तो दोस्तों ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा टीम आरसीबी के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एबी डिविलियर्स एक बहुत ही कमाल के फील्डर है। और दोस्तों ऐसे में विकेट कीपरिंग कराकर उनकी स्किल का यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में अगर दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी पर मोहम्मद अजुद्दीन से विकेट कीपरिंग कराती है तो दोस्तों यहाँ पर टीम आरसीबी को एक बढ़िया फील्डर भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एबी डिविलियर्स खुद ही यहाँ पर इस साल भी विकेट कीपरिंग करना चाहते हैं, दोस्तों इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर टीम आरसीबी थोड़ा चेंजेस कर देती है, यहाँ पर विकेट कीपरिंग मोहम्मद अजुद्दीन ही करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली टीम आरसीबी को और बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर एबी डिविलियर्स यहाँ पर विकेट कीपरिंग के लिए सही है, यहाँ पर मोहम्मद अजुद्दीन से यहाँ पर टीम आरसीबी को विकेट कीपरिंग कराने के ऊपर विचार करना चाहिए। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके जो भी ओपिनियन होंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ओवरऑल वीडियो, इस वीडियो मैंने आपको आज की टीम आरसीबी से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल क्रिक ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।